अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज आप देखेंगे कि हम बना रहे हैं मकरूनी। ये है 2 कप एल्बो मकरूनी, ये आप देख रहे हैं। और ये है वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल। हमने मिक्स वेजिटेबल को मकरूनी के साथ बनानी है। अब हम इसको पानी उबलने के लिए हमने रखा था, ये पानी बॉयल हो रहा है। और अब हम इसमें जो सी हमने 2 मकरूनी के कप लिए थे, ये अब हमने इसमें डाल दिए। और इस तरह से हम इसको उबलने के लिए रखते हैं थोड़ी देर तक। ये देखें नाज़रीन, अब हमने ये जो सी बॉयल करने के लिए डाली है, इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे। इसके अंदर ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, इसलिए कि अब हमने इसको ऑयल को डाला वेजिटेबल को फ्राई करने के लिए। इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसके कलर ख़राब ना हो और ये फ्राई हो जाए। फिर हम इस वेजिटेबल को आपने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसके कलर ख़राब ना हो। और एक तरफ हमने इसको मकरूनी को उबलने के लिए रखी हुई है, जब ये थोड़ी सेट हो जाएगी तो फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। और ये आप हसबे जायका थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से मिक्स तो अब ये जो से वेजिटेबल थी ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, इतना सा। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमारी ये जो सी है इस तरह से इसको मिक्स करके, जो सी हमने बॉयल करने के लिए रखी थी, ये 5 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सही बॉयल हो गई हैंगी। आप ये देख सकते हैंगे बिल्कुल सही है। ये हमारी मकरूनी जो सी हमने बॉयल की है, ये इसके अंदर अब हम थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे ताकि ये जुड़ ना पाए। ये देखें ये कितनी अच्छी हो गई है। थोड़ा सा ऑयल का 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दें बॉयल करने के बाद, तो एक तो ये कि इस पर चमक आ गई और दूसरा ये कि ये जुड़ती नहीं है अलग अलग दाना। ये हमने इसके अंदर मकरूनी डाल दी है वेजिटेबल के अंदर जो हमने फ्राई किया था। और अब इसके अंदर इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसका दम लगा देंगे। और ये समझ लें कि बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। और कितनी आसान है बनाना भी। अगर आप चाहें तो मैंने वेजिटेबल के साथ बनाई है, अगर आप चाहें बच्चों के लिए तो इसके अंदर चिकन या कीमा वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। ये अब दम हो चुकी है, ये हमने 10 मिनट के लिए इसको दम लगाया था। ये तैयार है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल बनाना भी ईजी है इसको। इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, आप खाएं बच्चों को खिलाएं। बस अब ये तैयार है, आप मेरी तरकीब से पकाएंगी तो आपको भी मज़ा आएगा। खाइएगा और हमें याद रखिएगा। शुक्रिया।